नमस्कार मित्रों, वेलकम टू एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम आपने केटलाक विशेष प्रकार ना दाखलाओं अभ्यास कर्यो हतो। जो ए दाखलाओं मा कोई ने कहीं डाउट होय, वीडियो मा कोई ने कहीं डाउट होय तो नीचे कमेंट बॉक्स मा तमे लोगो कमेंट करी शको छो। आजे आपने नवा दाखलाओं अभ्यास करवानो छे, स्वाध्याय 3.5 अने एनो दाखला नंबर 4। आ दाखलाओ मां शुं छे, बीजा प्रकारना दाखलाओथी आ दाखला केवी रीते अलग छे, तो बीजा दाखलाओ मां आपणने डायरेक्ट समीकरण आपेलू हतुं, अथवा तो काले अथवा तो लास्ट वीडियो मां जे दाखला जोए एमां आपणने सीधा ज समीकरणो आपेला हता। हवे आपणने आमां रकम आपेली हशे, आपणे जाते समीकरण बनावानुं छे, ए समीकरणने सोल्व करवानुं छे अने उकेलो शोधवाना छे। बराबर, वस्तु एकदम इजी छे, खाली समीकरण बनावामां आपणे थोड़ो घणो विचार करवो पड़शे। तो चलो शुरुआत करिए दाखला नंबर 1 थी। दाखला नंबर 1 मां शुं कहे छे रकम, के एक होस्टेलना विद्यार्थीओनुं भोजन खर्च अंशतः अचळ अने अंशतः विद्यार्थीओए जेटला दिवस भोजन लीधुं होय ते दिवसोनी संख्याना प्रमाणमां होय छे। एक होस्टेल छे, एमां विद्यार्थीओ रहे छे। बराबर, हवे एमनी पासेथी पैसा लेवामां आवे छे भोजन खर्च निमित्ते, जेमांथी अमुक भाग जे छे ए फिक्स छे, ज्यारे अमुक भाग जे पैसानो छे ए पर डे पर दिवसना हिसाबथी लेवामां आवे छे, के केटला दिवस विद्यार्थीए भोजन कर्युं। विद्यार्थी ए, एमांथी कोई एक विद्यार्थी छे ए 20 दिवस भोजन ले छे अने भोजन खर्च पेटे रूपया 1000 चूकवे छे। अने बीजो विद्यार्थी छे बी, ए 26 दिवस भोजन ले छे अने भोजन खर्च पेटे रूपया 1180 चूकवे छे। तो निश्चित दैनिक खर्च मतलब के फिक्स जे रकम लेवामां आवे छे ए केटली छे, अने दैनिक भोजन खर्च निमित्ते पर डे ना हिसाबथी केटला पैसा लेवामां आवे छे ए शोधवानुं छे। हवे धारी लईए छे अत्यारे आपणे के कोई विद्यार्थी 1500 रूपया चूकवे छे। बराबर, हवे आ 1500 रूपया माथी धारो के आपणे मानी लईए के 800 रूपया फिक्स छे। बराबर, हवे 800 रूपया फिक्स छे, आनो मतलब छे के त्यां रहेता दरेक विद्यार्थीओ माटे आ रकम तो केवी हशे, फिक्स ज हशे। चाहे विद्यार्थी ए होय, चाहे विद्यार्थी बी होय, के चाहे विद्यार्थी सी होय, दरेक माटे आ रकम तो केवी हशे, फिक्स ज हशे। बदलाशे शुं? हवे धारो के आ विद्यार्थी ए छे, फिक्स रकम 800 चूकवे छे, हवे बाकीना धारो के 10 दिवस भोजन ले छे तो ए पेटे चूकवे छे 700 रूपया, तो कुल केटला थया 1500। बराबर, हवे कोई विद्यार्थी जे छे ए 10 दिवस ना बदले 15 दिवस खाय छे, तो 800 रूपया तो फिक्स छे। बराबर, आ तो दरेके चूकवाना छे, प्लस ए 15 दिवस नु जेटलु भोजन ले छे ए हिसाब थी एने हिसाब चुकवो पड़शे। क्लियर, तो आजे कुल रकम लेवामां आवे छे एमां बे भाग पड़े छे, एक रकम जे छे ए फिक्स छे, निश्चित छे, ज्यारे बीजी रकम जे छे ए पर डे ना हिसाब थी लेवामां आवे छे। तो आपणे शोधवानुं छे शुं निश्चित रकम केटली हशे अने दैनिक खर्चना हिसाबे केटला पैसा लेवामां आवे छे, आ बे वस्तुओ शोधवानी छे। जे वस्तुओ शोधवानी छे एने आपणे धारी लईशुं, कारण आपणने कशी खबर नथी। तो धारो के शुं शोधवानुं छे, दैनिक भोजन खर्च पहेलो शोधवानुं छे, निश्चित दैनिक खर्च। तो जे आ फिक्स रकम छे, जे निश्चित रकम छे એને ધારી લઈએ, નિશ્ચિત દૈનિક ખર્ચ કેટલો છે તો રૂપિયા x છે, અને દૈનિક ખર્ચ કેટલો છે મતલબ કે પર ડે ના હિસાબથી કેવી રીતે પૈસા લેવામાં આવે છે એ ખર્ચ છે રૂપિયા y। ક્લિયર, ધારી લીધું। હવે સમીકરણ આપણે બનાવવાનું છે, કોના માટે? વિદ્યાર્થી ए माटे, विद्यार्थी ए अने विद्यार्थी बी।
विद्यार्थी ए शू करे छे तो 20 दिवस भोजन ले छे अने एनो भोजन खर्च केटलो छे 1000 रूपया छे। तो विद्यार्थी ए 20 दिवस भोजन लेशे एमा एनी फिक्स रकम हशे बराबर एक्स जे छे ए फिक्स रकम तो हशे चुकवे छे 1000 रूपया चुकवे छे तो आ 1000 मा एक्स तो केटला हशे फिक्स हशे अने ए 20 दिवस भोजन ले छे तो 20 दिवस ना पर डे ना हिसाब थी पर डे नो खर्च केटलो छे आपणो y छे टोटल ए 20 दिवस भोजन ले छे तो 20 गुण्या y એટલે આપણને 20 દિવસ નો ભોજન ખર્ચ મળશે અને આ પ્લસ x શું છે તો આ તો ફિક્સ રકમ છે જે દરેકે ચૂકવવાની છે ક્લિયર તો આ આપણું મળ્યું પ્રથમ સમીકરણ બરાબર એવી જ રીતે હવે વિદ્યાર્થી b જે છે એ 26 દિવસ સુધી ભોજન લે છે તો એનામાં પણ જો ફિક્સ રકમ તો દરેક વિદ્યાર્થી માટે સેમ રહેશે પરંતુ એ કેટલા દિવસ ભોજન લે છે 26 દિવસ પર ડે ના હિસાબ થી એનો ખર્ચ થશે 26y અને કુલ એને કેટલા ચૂકવ્યા તો ચૂકવ્યા અને 1180 રૂપિયા બરાબર આ આવ્યું આપણું સમીકરણ નંબર 2 બંને સમીકરણો મળી ગયા પછી આપણે કોઈ પણ પ્રકારની બેઝિક રીતનો અભ્યાસ કરીને હવે ઉકેલ શોધી શકીએ છીએ જો સ્પેસિફિક કીધું છે કે રકમ આપી દીધી છે અને કીધું છે કે આનો ઉકેલ ચોકડી ગુણાકારની રીતથી શોધો તો આપણે ચોકડી ગુણાકારની રીતથી જ શોધવો પડે કીધું હોય લોપની રીતે શોધો તો લોપની રીતથી શોધવું પડે પરંતુ આમાં આપણને રકમ આપેલી છે અને કીધું છે કે કોઈ પણ બેઝિક રીતથી તમે ઉકેલ શોધી શકો છો તો આપણે સૌથી ઈઝી રીત લોપની રીત પ્રિફર કરીશું ક્લિયર બે સમીકરણો મળી ગયા બે સમીકરણોમાં બે ચલ આપેલા છે x અને y તો આ પૈકી કોઈ પણ એક ચલના સહગુણકોને શું કરીએ છે આપણે સમાન કરીએ છે હવે જો આ સમાન આપેલા હોય તો સમાન કરવાના નથી અહીંયા જો x નો સહગુણક કેટલો છે 1 છે આ સમીકરણમાં પણ x નો સહગુણક કેટલો છે 1 છે તો બંનેના ચિહ્નો કેવા પ્લસ જો સમાન ચિહ્નો હોય અને આપણે લોપની રીત વાપરતા હોઈએ ત્યારે શું કરવાની બાદબાકી તો ચલો બાદબાકી કરીએ શું કરીએ સમીકરણ નંબર 1 માંથી સમીકરણ નંબર 2 બાદ કરતા બરાબર તો સમીકરણ નંબર 1 લખી નાખો x પ્લસ 20y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1000 બીજું સમીકરણ કયું છે x પ્લસ 26y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1180 રૂપિયા શું કરવાનું છે આમાં બાદબાકી બાદબાકી કરીએ તો આ જે બીજું સમીકરણ છે એના બધા જ ચિહ્નો બદલાઈ જશે પ્લસ હોય તો માઇનસ થઈ જાય માઇનસ હોય તો પ્લસ થઈ જાય અહીંયા બધા જ ચિહ્નો કેવા છે પ્લસ તો બધા જ ચિહ્નો આપણે કરી નાખ્યા માઇનસ હવે જુઓ x પ્લસ x માઇનસ x આનો શું થઈ ગયો લોપ થઈ ગયો તો આ થઈ ગયું 0 અહીંયા શું વધ્યું તો પ્લસ 20y માઇનસ 26y તો મોટા પણ છે 26 એનું ચિહ્ન કેવું છે માઇનસ તો આવે માઇનસ 6y ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ બાજુ શું વધ્યું 1000 માંથી 1180 કાઢવાના છે 1180 મોટા તો એનું ચિહ્ન કેવું માઇનસ તો પહેલા માઇનસ 1180 માંથી 1000 કાઢીએ તો વધે કેટલા 180 ક્લિયર બંને બાજુ માઇનસ છે તો ગયા બંને કેવા થઈ ગયા પ્લસ હવે શું થશે 6y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 180 પરંતુ આપણે તો y ની કિંમત જોઈએ તો આ 6 જે છે એ y સાથે ગુણાકારમાં જોડાયેલા છે એને બરાબરની બીજી બાજુ મોકલીએ તો ક્યાં જશે ભાગાકારમાં તો શું થાય y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 180 ભાગ્યા 6 તો જવાબ કેટલો આવે 30 y આપણે શું ધાર્યો છે દૈનિક ખર્ચ કેટલો છે y રૂપિયા તો y ની આપણને કિંમત કેટલી મળી 30 x ની કિંમત હજી આપણે શોધવાની છે બરાબર તો આ y બરાબર 30 કિંમત શું કરવાનું કોઈ પણ એક સમીકરણમાં આપણે મૂકી દઈએ તો ચલો y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 30 કિંમત સમીકરણ 1 માં આપણે મૂકી દઈએ મૂકતા કયું છે સમીકરણ નંબર 1 x પ્લસ 20y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1000
आ छे समीकरण एमा y इज इक्वल टू 30 किंमत आपणे મૂકવાની છે માટે x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000 માટે x प्लस 3 दू केटला थशे 600 इज इक्वल टू 1000 क्लियर आ छे प्लस 600 बराबर ने पेली बाजू आपणे મૂકી દઈએ तो x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600 आथी x इज इक्वल टू केटला मळे आपणे 400 तो x ए शू धार्यु छे आपणे जे फिक्स रकम छे जे दरेक विद्यार्थीओ चूकवानी रकम जे छे ए केटली छे 400 रूपया चूकववा पड़से तो निश्चित दैनिक खर्च बराबर केटला रूपया 400 रूपया अने दैनिक खर्च केटलो हशे दैनिक खर्च भोजन खर्च पेटे पर डे ना हिसाब थी केटला रूपया 30 रूपया चूकववा पड़े क्लियर समझाशे हवे नेक्स्ट दाखलो जोवानो छे आपणे दाखला नंबर छे 2 आ दाखलो पहला कम्प्लीट जोई लो पछी जईए आपणे नेक्स्ट दाखला उपर क्लियर रकम शू छे दाखला नंबर 2 मां तो एक आपणने अपूर्णांक आपेलो छे बराबर दाखला नंबर 2 रकम पहला एक वक्त अपने वाची लईए एक अपूर्णांकना अंशमांथी एक बाद करवामां आवे तो नवा अपूर्णांकनुं अति संक्षिप्त स्वरूप 1/3 बने छे अने तेज अपूर्णांकना छेदमां 8 उमेरवामां आवे तो मळता अपूर्णांकनुं अति संक्षिप्त स्वरूप 1/4 थाय छे तो ते अपूर्णांक आपणे शोधवानो छे हवे एक अपूर्णांक छे आपणने खबर नथी कयो अपूर्णांक छे ए ए अपूर्णांकना पहला अंशमां एक बाद करवामां आवे छे बराबर एना अंशमांथी एक बाद करवामां आवे छे जेथी एनु अति संक्षिप्त स्वरूप आपणने कंईक मळे छे त्यार बाद एना छेदमां 8 उमेरवामां आवे छे फरीथी अति संक्षिप्त स्वरूप मळे छे हवे आ बधुं छे शुं तो शरूआत करीए शुं छे अपूर्णांक शोधवानो छे जे वस्तु शोधवानी छे ए वस्तु आपणे धारी लईए धारो हवे कोई अपूर्णांक होय बराबर अपूर्णांक पहला तो कोने कहेवाय जे पूर्ण नथी ए हवे आ 4 अपन 2 करिए तो आ अपूर्णांक कहेवाय ना कहेवाय केम 2 2 4 तो आनो जवाब केवो थाय 2 हवे 2 ए पूर्ण संख्या छे जेनी किंमत पॉइंट मां मळे एने आपणे जनरली शुं कहीए छे अपूर्णांक तो 1/5 લઈ લઈએ તો આની કિંમત આપણને કેટલી મળશે 0.2 તો આ શું છે અપૂર્ણાંક હવે અપૂર્ણાંક ક્યારે હોય અપૂર્ણાંકમાં એક પહેલા તો અંશ હોય અને બીજો શું હોય છેદ હોય તો આપણે શું ધારી લઈએ ધારો કે અપૂર્ણાંકનો અંશ કેટલો છે x છે અને અપૂર્ણાંકનો छेद y छे बराबर तो ये संख्या कई मळे आपणने तो ते संख्या आपणने मळशे x / y मळे क्लियर तो ते संख्या आपणने कई मळशे x / y जे पैकी x जे छे ए एनो अंश छे अने जे y छे ए एनो छेद छे क्लियर चलो શું કર્યું પહેલું ઓપરેશન તો પહેલા જે અપૂર્ણાંક હતો એના અંશમાંથી અંશ કયો છે x x માંથી શું બાદ કર્યું એક બાદ કર્યો હવે છેદને આપણે કશું કર્યું નથી તો છેદ એમનો m અપૂર્ણાંકના અંશમાંથી એક બાદ કરતા અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ શું મળે છે તો 1/3 મળે છે ક્લિયર અપૂર્ણાંકના અંશમાંથી એક બાદ કરતા એનું અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ 1/3 મળે છે હવે આનું સમીકરણ બનાવવું પડશે આપણે બરાબર આ 3 જે છે એ અહીંયા ગુણાશે આ y જશે અહીંયા 3 ને ગુણી નાખીએ તો શું થશે 3 x - 1 = y માટે સાદું રૂપ આપીએ
3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, आ 3x साथे पण गुणाय अने 1 साथे पण गुणाशे, आ y ने लाई दईए आ बाजू, आ प्लस माइनस 3 ने मूकी दईए बराबर नी पेली बाजू, तो 3x प्लस y छे बराबर नी आ बाजू आवे तो थशे माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3 छे बराबर नी पेली बाजू जाए तो थाय प्लस 3। समीकरण नंबर 1 क्लियर। पहलू समीकरण आपने मड़ी गई, बीजू ऑपरेशन शू करियो एमा, तो तेज अपूर्णांक मा, हवे तेज अपूर्णांक मतलब आज नवो लीधो ए नहीं, कयो आपणे जे आ धार्यो छे ए आज अपूर्णांक माथी शू करियो, तो एना छेद मा, छेद शू छे एनो y, छेद मा 8 उमेर्या तो एनु अति संक्षिप्त स्वरूप केटलू मळ्यु आपणने 1/4 मळ्यु। ओके हवे आ रीतनु आपणने कई मळशे, आपणे तो समीकरण जोईए तो करी नाखो क्रॉस गुणाकार, तो आ 4 जे छे ए x साथे गुणाशे तो थशे 4x, आ y प्लस 8 छे ए 1 साथे गुणाय तो आनु आ पद फरीथी आवशे तो y प्लस 8, y ने लावी दईए आपणे आ बाजू प्लस छे तो थसे माइनस y इज इक्वल टू 8। आ यु समीकरण नंबर 2 क्लियर। बे समीकरणો મળી ગયા, આપણે જે રીત વાપરવી હોય એ રીત વાપરી શકાય છે, પરંતુ સૌથી ઈઝી રીત છે લોપની રીત, તો આપણે વાપરીએ લોપની રીત। લોપની રીતમાં બે ચલ જોવાના, બે ચલમાંથી કોઈ પણ એક ચલના સહગુણકોને સમાન કરવાના, समान होय तो करवानी जरूर नथी। अहीं जो y y बनने ना सहगुणको केवा छे माइनस ए माइनस ए, बनने ना चिन्हो समान, समान चिन्हो होय त्यारे लोपनी रीतमां आपणे शुं करीए छे बादबाकी करीए छे, तो करी नाखो बादबाकी। समीकरण नंबर 1 माथी समीकरण 2 बाद करता तो शुं थशे, पहला लखी नाखो समीकरण 1, पची लखी नाखी आपणे समीकरण 2 माइनस y इज इक्वल टू 8, बाद बाकी करिए छे तो चिन्हो बधा केवा थई जाय उल्टाई जाय, प्लस छे तो शुं थयुं माइनस, आ माइनस छे तो थया प्लस, आ प्लस छे तो थया माइनस, कयुं जशे तो y नो आपणे शुं करी नाख्यो लोप करी नाख्यो, बिकॉज माइनस y प्लस y केवा थई गया 0। અહીંયા શું થશે પ્લસ 3x છે માઈનસ 4x, અસમાન ચિહ્નો, અસમાન ચિહ્નો હોય થાય ત્યારે થાય બાદબાકી, પ્લસ 3x માંથી માઈનસ 4x જાય તો વધે કેટલા માઈનસ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ 3 માંથી માઈનસ 8 જાય, 8 નું ચિહ્ન કેવું છે માઈનસ, તો જવાબ શેમાં આવશે માઈનસ 5, બંને બાજુ કેવા છે માઈનસ માઈનસ ચિહ્નો છે, આથી x is equal to શું મળ્યો આપણને 5। તો x શું ધાર્યો છે આપણે અંશ, આ અપૂર્ણાંક છે એનો અંશ શું હશે 5 હશે, હવે x is equal to 5 મળે તો એના ઉપરથી આપણને y ની કિંમત મળી જાય, કેમ આ કિંમતને બંનેમાંથી કોઈ પણ એક સમીકરણમાં આપણે મૂકી દઈએ। ચલો આ વખતે આની કિંમત મૂકી આપણે સમીકરણ નંબર 2 માં, તો x is equal to 5 કિંમત ક્યાં મૂકતા, સમીકરણ નંબર 2 માં મૂકતા, સમીકરણ નંબર 2 કયું છે 4x માઈનસ y is equal to 8, માટે 4 into 5 minus y is equal to 8, 5 ગુણ્યા 4 જવાબ થાય 20 minus y is equal to 8। આપણે સેની કિંમત શોધવાની છે, y ની કિંમત શોધવાની છે, પરંતુ બરાબર ની આ બાજુ y રાખીશું તો કેવું ચિહ્ન છે એનું માઈનસ, તો આપણી આસાની માટે એને બરાબર ની પેલી બાજુ મોકલી દઈએ અને આને લાવી દઈએ બરાબર ની આ બાજુ, આ પ્લસ 8 છે તો કેવા થશે માઈનસ 8 બરાબર, આ માઈનસ y છે બરાબર ની પેલી બાજુ જશે તો કેવા થશે પ્લસ y, તો y is equal to શું કિંમત મળી આપણને 12 કિંમત મળે બરાબર।
y શું છે તો અપૂર્ણાંકનો છેદ છે y તો એ સંખ્યા કઈ હોય આપણે શોધવાની છે તે સંખ્યા તો સંખ્યા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે x / y ધાર્યા હતા જે પૈકી x જે છે એ એનો અંશ છે y જે છે એ એનો છેદ છે તો એ સંખ્યા કઈ હોય 5/12 હોય બરાબર સમજાશે ક્લિયર तो आवा सिंपल सिंपल प्रकार ना दाखलाओ जो आपणी पासे छे अने आज प्रकार ना दाखलाओ एग्जाम में पूछाय छे क्लियर नेक्स्ट एग्जांपल जोई लिए दाखला नंबर 3 छे यश भाई यश ने एक कसोटी में 40 गुण मळ्या हता एक एग्जाम हती एमा यश ने 40 गुण मळ्या छे 40 मार्क्स मळ्या छे एने प्रत्येक साचा जवाब ना त्रण गुण मळ्या छे अने प्रत्येक खोटा जवाब माटे एनो एक गुण कपायो छे मतलब साचा जवाबो एने लख्या छे एमा एने त्रण मार्क्स मळ्या छे अने जे प्रश्नोना जवाब एना खोटा छे एमा एनो एक मार्क्स कपायो छे क्लियर जो परीक्षके दरेक साचा जवाब माटे 4 गुण आप्या होत आप्या छे केटला एने 3 આપ્યા છે બરાબર પરંતુ અંદાજ લગાવીએ છે કે જો પરીક્ષક દરેક સત્ય જવાબ માટે 4 ગુણ આપ્યા હોત અને દરેક ખોટા જવાબ માટે 2 ગુણ કાપ્યા હોત તો યશે 50 ગુણ મેળવ્યા હોત બરાબર તો આ કસોટીમાં કેટલા પ્રશ્નો હશે એ આપણે શોધવાના છે બરાબર પ્રશ્નોની સંખ્યા આપણે શોધવાની છે तो धारो के साचा प्रश्नों की संख्या हती यश जे हतो एने जे जवाब लख्या एमा साचा प्रश्नों की संख्या हती x साचा प्रश्नों की संख्या x छे अने खोटा प्रश्नों की संख्या y छे आथी कुल प्रश्न कितना हसे x plus y होय बराबर साचा प्रश्नों की संख्या x छे खोटा प्रश्नों की संख्या y छे तो कुल प्रश्नों कितना हसे x plus y होय हवे जो जो साचो जवाब आपे तो एने 3 गुण मळे छे परंतु प्रश्नों कितना छे धारो कि एक प्रश्न नो एने साचो जवाब आपे होय तो एने कितना मळत 3 गुण मळत जो बे प्रश्नों ना साचा जवाब आपे होत तो कितना मळत 3 × 2 मतलब 6 मार्क्स मळता बराबर जो 3 प्रश्नों ना ए साचा जवाब आपतो तो एक प्रश्न ना 3 मार्क्स तो 3 प्रश्नों ना कितना मार्क 9 मार्क्स मळता परंतु आपणने खबर नथी के कितना साचा प्रश्नों नो जवाब आपे छे तो आपणे धारी लीधुं छे के एने धारो के साचा प्रश्नो x छे तो x प्रश्नों माटे एने कितना गुण मळशे 3x गुण मळे माटे 3x आ शु दर्शावे छे तो एना साचा जवाबोना मळेला गुण माइनस खोटा प्रश्नों नी संख्या केटली छे y छे अने एक प्रश्न माटे केटलो मार्क्स कपाय छे एक मार्क्स कपाय छे तो एवी ज रीते बे प्रश्नों माटे केटला मार्क्स कपाशे 1 × 2 दैट इज 2 मार्क्स कपाशे बराबर 3 प्रश्नों हसे तो एक प्रश्ननो 1 मार्क्स इन टोटल 3 प्रश्नों ना केटला मार्क्स 3 मार्क्स परंतु कुल प्रश्नो y छे माटे एक प्रश्ननो 1 मार्क्स अने y प्रश्नों ना y मार्क्स तो केटला कुल मार्क्स एना कपाशे y मार्क्स कपाय तो आ छे एना साचा प्रश्नों थी मळेला मार्क्स माइनस खोटा प्रश्नों ना कपायला मार्क्स इज इक्वल टू केटला मळे छे 40 गुण मळे छे बराबर आपणने आमा कीधेलू छे के प्रत्येक साचा जवाब मां एने 3 गुण मळे छे अने खोटा जवाब मां एने 1 गुण कपाय छे आवू बधुं करता एने कुल 40 मार्क्स मळे छे बराबर तो आई गयो आपणुं समीकरण नंबर 1 બીજું સમીકરણ શું થાય છે જો 3 ને બદલે 4 માર્ક્સ આપ્યા હોત
बराबर परीक्षक त्रण बदले चार मार्क्स आप तो अहिया त्रण जगह शु आई जैसे चार एक्स अने खोटा प्रश्नों एक जगह बे मार्क्स आप तो अहे सहगुणक के एक तो अहिया के टू वाय तो एने के मार्क्स मब्या होत कुल पचास मार्क्स मब्या होत। हवे अहिया कई कॉमन निकले शू कॉमन निकल से बे आपणे कॉमन काढ़ी नाखी तो शू वच्चे टू एक्स माइनस वाय इज इक्वल टू पच्चीस समीकरण नंबर बे। बे समीकरणों आपने मड़ी गया सहगुणको पण केवा छे वाय ना सहगुणको समान तो सीधू शू करी नाखी समीकरण एक माथी समीकरण नंबर बे शू करता बाद करता तो शू थशे पहला लखी नाखे समीकरण नंबर एक त्रण एक्स माइनस वाय इज इक्वल टू चालीस बीजू समीकरण लखी नाखे टू एक्स माइनस वाय इज इक्वल टू पच्चीस बाद बाकी छे तो चिन्हो केवा थई जाए बदलाई जाए प्लस होय तो माइनस माइनस होय तो प्लस प्लस होय तो माइनस क्लियर। वाय नो शू करी नाखे लो त्रण एक्स माथी बे एक्स जाए तो शू वध्या x इज इक्वल टू चालीस माथी पच्चीस जाए तो कितना वध्या पंदर तो आपने x इज इक्वल टू शू मळ्युं पंदर मळ्युं मतलब के साचा प्रश्न कितना हशे पंदर हशे। हवे खोटा शोधीए कारण आपणे कुल प्रश्नों शोधवाना छे तो शू करिए आज x बराबर पंदर किंमत आई एने कोई पण एक समीकरण में मूकी दईए। चलो समीकरण बे मां किंमत मूकी दईए x इज इक्वल टू पंदर किंमत समीकरण बे मां मुकता है ने तो टू एक्स माइनस वाय इज इक्वल टू पच्चीस तो शू थशे एक्स नी जगह आपणे मुकवाना छे पंदर तो मूकी दईए टू इंटू पंदर माइनस वाय इज इक्वल टू पच्चीस पंदर दू के त्रीस माइनस वाय इज इक्वल टू थे पच्चीस आ वाय ने मोकली दो पेली बाजू पच्चीस ने लाई दी अपने आ बाजू तो त्रीस माइनस पच्चीस इज इक्वल टू वाय एंड वाय इज इक्वल टू फाइव तो खोटा प्रश्नों की संख्या के पांच अने साचा प्रश्नों की संख्या के पंदर माटे कुल प्रश्नों नी संख्या इज इक्वल टू शू थशे एक्स प्लस वाय एक्स नी किंमत छे पंदर वाय नी किंमत छे पांच तो कुल केटला प्रश्नों होय तो टोटल वीस प्रश्नों होय क्लियर। कुल केटला प्रश्नों हशे वीस प्रश्नों हशे तो आजे आपणे आ त्रण एक्जाम्पल नो अभ्यास कर्यो छे बराबर हवे बाकी ना बे वधे छे पछी स्वाध्याय 3.5 पूरु ए बे मोस्ट इम्पोर्टंट दाखला छे तो एनी चर्चा आपणे नेक्स्ट विडियो मां करीशुं त्यां सुधी धन्यवाद। जो आ कोई दाखला मां कमेंट तमने कोई डाउट होय कोई प्रश्न होय तो नीचे कमेंट बॉक्स मां जणावी दो क्लियर धन्यवाद।